तीन में से एक अमेरिकन वयस्क चिंता और डिप्रेशन के लक्षण रिपोर्ट करते हैं। माता पिता की अपने टीनेजर को लेकर मुख्य चिंता अलग तरीके की है। चिंता, डिप्रेशन, खुद को नुकसान पहुंचाना, खुदकुशी। कोविड के तनाव और अकेलेपन के एहसास से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में बढ़ावा आया है। देश भर में ये एक नया झुकाव देखा गया है। उनके अनुमान से 2050 तक पूरे विश्व में, अमेरिका में ही नहीं, पूरे विश्व में 30-33% मानव जनसंख्या मानसिक रूप से बीमार हो सकती है। बस 2050 ज्यादा दूर नहीं है, 33% हो गया, मतलब हर 3 आदमी में एक गया। क्यों हम इस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि हम जीवन की बुनियादी बातों का पता नहीं लगा पा रहे हैं। हम खुद को सही तरह से रखना नहीं जानते। हम सोचते हैं कि हर चीज का समाधान बाहर है। नहीं, ये एक संपूर्ण जीवन है। This has everything within itself to be healthy, to be well. इसमें वो सब कुछ है जो आपको स्वस्थ, अच्छा, संतुलित, खुश, आनंदपूर्ण बनाता है। इसमें हर चीज है। ये हर चीज के साथ आता है। बात बस यही है कि हम इस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये कहीं भी नहीं सिखाया जा रहा है। हर चीज को फैशन में बदला जा रहा है। अब लोग खुदकुशी की महामारी की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जैसे कि मानसिक रोग की महामारी काफी नहीं थी। 2021 साल 2021 में भारत के इतिहास में 2021 में सबसे ज्यादा खुदकुशी हुई है। 130,000 से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की। 18,600 से ज्यादा लोग 18 साल से कम उम्र के। 7,200 से ज्यादा 15 साल से कम उम्र के बच्चे। 12-13 साल के बच्चे खुदकुशी क्यों करना चाहते हैं, जब उनमें जीवन फूटना चाहिए? जब आप 12-13 साल के होते हैं तो आप में जीवन फूटना चाहिए, लेकिन वो खुद को मारना चाहते हैं। हम बुनियादी तौर पर कुछ गलत कर रहे हैं, है कि नहीं? नहीं तो बच्चे क्यों खुदकुशी करना चाहेंगे? लेकिन दुनिया में हर जगह ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हमने इंसानों पर ध्यान नहीं दिया है। हम बाकी सब जगह ध्यान दे रहे हैं। इंसानों पर ध्यान देने के लिए क्लासिकल योग को जीवन में लाना होगा, और हो सकता है बस योग हर कोई ना कर सके, इसलिए हम इसके साथ कुछ शास्त्रीय कलाएं ला रहे हैं जिनमें योगिक सिस्टम होता है। इसमें है शास्त्रीय नृत्य रूप, शास्त्रीय संगीत और मार्शल आर्ट, जिसे कलरी कहते हैं, जो दुनिया में सभी मार्शल आर्ट्स की मां है। तो हम इन 3 कलाओं को और योग को साथ में ला रहे हैं। कृपया इसका लाभ उठाएं, इसका हिस्सा बने। ये जाकर एक प्रोग्राम करने के बारे में नहीं है, आपको इसे बढ़ाकर सबके लिए उपलब्ध कराना चाहिए। इस समय जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है और इंसान ने तकनीक और विज्ञान के रूप में जो भी हासिल किया है, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होनी चाहिए वो है मानव चेतना को ऊपर उठाना। साइंस और टेक्नोलॉजी के सशक्तिकरण के इस समय में अगर हम अब भी मजबूरियों और स्वाभाविक प्रतिक्रिया से काम करेंगे तो हम कुछ ही समय में एक दूसरे को मार डालेंगे। दुनिया में लोगों ने अभी से बात करनी शुरू कर दी है, जैसे कि ये स्वाभाविक चीज हो कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, न्यूज में भी ये चल रहा है। ये लगभग वैसा ही हुआ कि पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो तीसरा विश्व युद्ध भी होना ही चाहिए। क्या हम पागल हैं? अगर हम तीसरा विश्व युद्ध करते हैं तो हम पागलों की पीढ़ी हैं, हाँ या ना? क्योंकि इस तरह से समर्थ होने के बाद अगर हम ऐसी कोई कोशिश करते हैं तो जो हम पर होगा वो बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए योग की जरूरत है। योग का मतलब शरीर मोड़ना और घुमाना नहीं है। योग मतलब भीतर की ओर मुड़ना, खुद के स्रोत को पाना, अपने भीतर की उस बुद्धिमत्ता को छूना जो मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया से परे है। ऐसा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ होना जरूरी है।